वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। इन द न्यू टैक्स रेजीम द टैक्स रेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड टू बी रिवाइज्ड एज फॉलोस। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी।